नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नक्षत्र में हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जो आपके जीवन में प्रगति और उन्नति लाएंगे। उन्हीं उपायों को सही विधि विधान से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कैसा रहेगा आपका आज का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। आर्द्राम पुष्करणीम पुष्टिम पिंगलाम पद्म मालिनीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो महावा ताम आवाजातवेदो लक्ष्मीम अनुपगामिनीम यस्याम हिरण्यम बिंदेहम गामश्चम पुरुषान। हम इस प्रकार से वैदिक डिम डिम घोष और आवाहन श्री सूक्त के द्वारा माता लक्ष्मी का, उन्हीं की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसी विशेष वस्तुएं होती हैं जो उनको विशेष रूप से पसंद है। शंख है और शंख के साथ और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो माता लक्ष्मी को पसंद है। कमल का फूल इत्यादि इत्यादि, लाल रंग वस्त्र इत्यादि बहुत सारी चीज़ें ऐश्वर्य की वस्तुएं। उसमें एक वस्तु आती है जिसको लक्ष्मी जी की प्राप्ति के प्रयोग के लिए यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं गुंजा की माला। गुंजा माला, एक गुंजा एक पदार्थ होता है जिसकी माला बनाई जाती है लाल और काले रंग का। इसको धारण करना, प्रयोग करने से धन की प्राप्ति होती है, धन आगमन के स्रोत खोलते हैं। व्यापार वृद्धि के लिए भी लाल गुंजा की माला प्रभावकारी होती है। गुंजा कर्ज मुक्ति, इसके लिए भी इसकी माला को धारण करना चाहिए। ये लाल गुंजा की माला शुभ प्रभाव से वृद्धि होती है, लेकिन लाल गुंजा की माला धारण करना, इसकी भी कुछ विधि ऐसी होती हैं। अगर आप व्यापार वृद्धि में कर रहे हैं तो आपको कुछ मंत्रों का जप करना पड़ता है। इसी माला पे आप लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करके इसको धारण कर सकते हैं, आपको जरूर लाभ होगा। गुरु जी, आप दर्शकों को बताइए आज की 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है वो खास उपाय जो आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मेष राशि वालों, आज आप उतावलेपन से, अपने आक्रामकता से थोड़ा सा आज आपको बचना चाहिए, ये आपको परेशान कर सकता है। नेगेटिव थॉट आज आपकी बढ़ सकती है। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने की आपको जरूरत बनती हुई देखी जा रही है। आपके कई महत्वपूर्ण होने से, कार्य होने से भी मन लेकिन प्रसन्न रहेगा। चतुर्दिक प्रगति में आपका योगदान रहेगा। आपको क्या करना चाहिए, आपको अमावस्या पे ज़रूर कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। नीला रंग 4 का अंक आपके लिए शुभ है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। समय बहुत ही अच्छा है, उन्नति वाला है, सबको लाभ की स्थितियां बन रही हैं। परिवार में शुभ कार्य होता हुआ देखा जा रहा है। आपकी फाइनेंशियल स्थिति, माली हालत अच्छी होती हुई देखी जा रही है। नए कार्य करने के भी आपको अवसर मिलेंगे। मनपसंद जगह आपका सिलेक्शन भी होगा। अगर विद्यार्थी हैं तो गृह निर्माण का भी योग बन रहा है। कुल मिला के रोग और शत्रु परास्त होंगे। शुभता ही शुभता आने वाले समय में आपको मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में सुधार होता हुआ देखा जा रहा है। वृषभ राशि वालों, आज आप मछलियों को दाना खिलाइए या आज जीवित मछलियाँ लेके जल में छोड़िए, नदी इत्यादि में। लाल रंग 19 का शुभ। बात कर लें मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, बुध की राशि, आत्मबल बुध देव आपका बढ़ाए हुए हैं। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने का समय बहुत निकट है, क्योंकि आपके लग्न से या राशि से खाता गुरु बृहस्पति देव आर्थिक लाभ होगा। अकेडमिक कैरियर विशेष रूप से गुरु बृहस्पति देव की कृपा से आपका बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। नया कार्य आप कर सकते हैं। विद्या से, धन से, ज्ञान इत्यादि आपको प्राप्त होता हुआ देखा जा रहा है। तो क्या कर लेंगे, मन को आपको बस केवल नेगेटिव थॉट को से बचाना है। और उपाय क्या है कि दूसरों की बातों में बिल्कुल भी आपको नहीं आना, स्वयं का निर्णय लेना है। पीला अंक रंग और 2 का अंक आपके लिए शुभ है। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, मान सम्मान में आपको वृद्धि होती हुई देखी जा रही है। योजनाएं सफलता प्राप्त करेंगी। योजनाओं की सफलता के पीछे आर्थिक क्षेत्र में किया गया पुराना विकास पूर्वक कार्य आपका मदद करेगा। आपकी गृह निर्माण, प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित चीज़ों में आप आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कार्य करते हुए आप नजर आ रहे हैं। अध्ययन का कार्य, अध्यापन का कार्य लगन से करना चाहिए आपको। भगवान शिव को बिल्व पत्र, जल इत्यादि अर्पित करें। 6 का अंक, 7 का अंक सफ़ेद और भूरा। सिंह राशि वालों, आपके लिए व्यवसाय के, व्यापार के, स्वयं का कार्य है तो उसके लिए भी
नए अवसर, मान सम्मान प्रचुर मात्रा में आपको प्राप्त होगा। भूमि भवन से लाभ होगा आपको। आपकी एक्टिविटीज बहुत पॉजिटिव होंगी, रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। लाभ की स्थितियां और आपको किसी बड़े आध्यात्मिक पुरुष या संत का आशीर्वाद भी मिलेगा। न्यायालय से आपका अगर मुकदमा है वो भी शांत होगा। गायत्री उपासना आज आपको करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एकांक लाल रंग शुभ है। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय इसकी शुरुआत। और गूढ़ बात यह है कि आपको लाभ के साथ आध्यात्मिक और व्यापारिक भी प्राप्ति होगी। चौतरफा लाभ इसको बोल सकते हैं। आय के साधन भी आपको प्राप्त होते हुए देखे जा रहे हैं। रुके हुए कार्य आपके धीरे धीरे ही सही लेकिन संपन्न होते हुए देखे जा रहे हैं। अपने संबंधों में आप लाए थोड़ी सी मधुरता, बस यही एक चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है। पुराने मित्रों के मिलने के लिए अनुकूल समय। चिड़ियों को दाना खिलाइए। पक्षियों को यदि हो सके संभव तो छुड़वाइए, आजाद करिए। सी ग्रीन तीन का अंक आपके लिए शुभ है। बात करते हैं तुला राशि की। मनोबल आपका ऊंचा रहेगा। आपके मनोबल में अमूलचूल परिवर्तन, बढ़ोतरी होगी। योजनाएं आपकी पूर्ण होती हुई देखी जा रही है। धन लाभ होने के प्रबल योग दिख रहे हैं। तुला राशि वालों को आपको मन प्रफुल्लित रहेगा, खुशी आपको महसूस होगी। संतान की प्रगति से भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। राजनीति में भी सफलता मिलेगी। राजनीतिज्ञों से क्लोजनेस बढ़ेगी। चींटी को गुड़ हटा खिलाएं, आज आपको लाभ होगा। नीला रंग छह का अंक शुभ है। बात कर लें वृश्चिक राशि की। आज आपको व्यापारिक लाभ, विशेष रूप से लेन देन से संबंधित चीज़ों से आपको होगा। विस्तार का योग बन रहा है। कोई भी चीज़ है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। चार लोगों से और बात कर सकते हैं। तनाव में ना रहें लेकिन इससे बचने की कोशिश करें। गुस्सा पर नियंत्रण करें। लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए आज अच्छा आप मैदान बना सकते हैं। गाय को रोटी खिलाएं, गुड़ खिलाएं, गौ ग्रास खिलाएं। गौ सेवा प्रधान सेवा जरूर करें। तीन का अंक, चार का अंक और केसरिया रंग। धनुराशि वालों, आपको केवल और केवल अपने खर्चे और गुस्से पर नियंत्रण करना है। सेहत आपकी उत्तम होने वाली है, रहने वाली है, लेकिन गुस्सा थोड़ा सा आपको कम करना चाहिए। मन को आप थोड़ा सा आज आपको मेडिटेशन करना चाहिए। लाभ होगा आपको। आज कुछ चीज़ों को, कुछ बातों की बारीक जानकारियां भी प्राप्त करने में आसानी होगी, लेकिन छोटी छोटी बातों को ये तनाव ना लें। पीले रंग का वस्त्र ले लें, मंदिर में दान करें, लड्डू इत्यादि चढ़ाएं गणेश जी को। छह का अंक, नौ का अंक और हरा और केसरिया। मन को नियंत्रण रखिए। मकर राशि वालों, आत्मसंयत अगर रहेंगे उतना ही आपको लाभ होगा, अन्यथा आप हानि पा सकते हैं। स्थिति को संतुलित रखने के लिए आपको संयमित जीवन जीना चाहिए। बेवजह परेशान नहीं होना है, लेकिन आपको छोटी छोटी बातों से आप परेशान हो जाते हैं, बहुत तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रगल आपका बढ़ जाता है। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित आपको आज होना पड़ सकता है, या घर में किसी के स्वास्थ्य को लेकर। सरसों के तेल का दीपक आप नॉर्थ वेस्ट दिशा में जरूर जलाएं, आपको लाभ होगा। एक अंक काला रंग शुभ है। कुंभ राशि वालों, मन को नियंत्रण रखने की आपको भी जरूरत है। विशेष रूप से आप जो स्पीड में चल रहे हैं उस स्पीड को कुछ कम करिए। आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए। आय के साधन आपके फिर भी बढ़ते रहेंगे। अज्ञात कारण से आप जो चिंतित हो रहे हैं उसकी आपको समीक्षा करनी चाहिए। ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। भाग्य से सारा कार्य आपका संपन्न हो रहा है तो उसके आगे भी बढ़ के सोच लें। आज आपको भाग्य से बड़ा लाभ भी होता हुआ देखा जा रहा है। तीन पौधे अपने कम से कम आपको लगाना चाहिए आने वाले सप्ताह के अंदर। सफ़ेद और नौका आपके लिए शुभ है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। कर्म क्षेत्र लगे रहें। कर्म क्षेत्र में आपको अभी किसी भी तरह से हतोत्साहित नहीं होना है। हाँ, बड़ा लाभ आपको मिलेगा। मान सम्मान में वृद्धि, नया व्यापार करने का अवसर आपको जरूर हस्तगत होगा। घर निर्माण का योग, अति संतोष की प्रवृत्ति, इससे मन भी प्रसन्न होगा। संतोष की कुछ प्रवृत्ति आपके अंदर आ सकती है। लोगों में कुछ चीज़ें बांटने की क्षमता, लेकिन किसी के स्वास्थ्य विकार को लेकर परेशान हो सकते हैं। भगवान सूर्य की आराधना करें। ओम घृणी सूर्यादित्याय नमः। लाल पुष्प चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। पीला रंग तीन का शुभ है। गुरु जी, आप दर्शकों को बताइए आज का पंचांग क्या कह रहा है। दिन में कौन सा समय रहेगा शुभ और किस समय रहेगा राहु काल। दिनांक 28 अप्रैल 2023। अश्विनी तिथि का मान लगा है और पुष्य नक्षत्र, नक्षत्र राज पुष्य, कर्क में चंद्र।
शुक्रवार का दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष, शुभ समय 11:52 से 12:45, राहु काल 10:40 से 12:18 सिद्ध है। तो आज आपने जाना कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800-4036524 पर। ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।